हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं द लालनटॉप। आज हम आपको ऐसी 10 फिल्म्स के बारे में बताएंगे जो सेक्स वर्कर्स की लाइफ पर बनाई है पिछले 6 दशकों में अलग अलग दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज ने। इन्हें आप देखिएगा जरूर इस वीडियो के बाद। इस लिस्ट की पहली फिल्म है नाइट्स ऑफ कबीरिया। 1957 में इटालियन डायरेक्टर फेडेरिको फेलिनी ने ये फिल्म बनाई थी जिसे ऑस्कर भी मिला। ये रोम की एक वेश्या की कहानी है जो सच्चे प्यार की तलाश में है। उसमें प्यार से भरा एक दिल धड़कता है लेकिन लोग उसका अपमान करते हैं। फिल्म में काबीरिया का जो पात्र है वो स्त्री गरिमा को तो स्थापित करता ही है, साथ ही इस अनैतिक समाज में लड़ती हुई एक मजबूत औरत के रूप में भी दिखाई देता है। दूसरी फिल्म है प्यासा। उसी साल 1957 में गुरुदत्त की प्यासा बनाई। ये एक अकेले और बेरोजगार युवा कवि की कहानी है जो अंत में गुलाबो नाम की वेश्या के साथ जीना पसंद करता है। सो कॉल्ड सभ्य समाज के ऊंचे लोगों के बीच वो जो इज्जत और प्यार नहीं पा पाता, वो सभ्यता और प्यार उसे गुलाबो के पास मिलता है। गुलाबो भी काबीरिया की तरह ही बहुत समझदार, बुद्धिमान और दयालु इंसान होती है। तीसरी फिल्म है मिडनाइट काउबॉय। इस अमेरिकन फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन श्लेसिंजर ने। फिल्म को 1969 में 3 ऑस्कर मिले थे। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सेक्स वर्कर का पेशा अपनाने न्यूयॉर्क जाता है। फिल्म समाज को आईना दिखाने का काम करती है। ये फिल्म वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन और जेंडर से जुड़ी बनाई हुई धारणाओं को तोड़ने का काम करती है। ये दिखाती है कि औरतें ही नहीं सेक्स वर्कर होती बल्कि पुरुष भी इस पेशे से जुड़े होते हैं। चौथी फिल्म है उमराव जान। 1981 में डायरेक्टर मुजफ्फर अली की उमराव जान आई। ये लखनऊ की तवायफ संस्कृति का बखान करने वाली फिल्म के रूप में दिखाई दी। लेकिन ये फिल्म सिर्फ तवायफों या धीरे धीरे खत्म हो रही इस संस्कृति का गुणगान नहीं करती बल्कि ये हकीकत भी दिखाती है। ये अमरीन नाम की एक लड़की की कहानी है जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच दी गई है। यही बच्ची आगे चलकर उमराव जान बनती है। वो अपनी शर्तों पर जीती है, अपने विरोधियों से नहीं डरती। मुजफ्फर अली ने हिम्मत दिखाते हुए उमराव जान का अंत बेहद यथार्थवादी रखा है। उन्होंने फिल्म के अंत में अमरीन का कोई पुनर्वास नहीं दिखाया। बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा में वेश्याओं के किरदारों की स्थिति का जैसा रोमांसवाद दिखाया जाता है, जैसी शक्ति सामंत की अमर प्रेम या फिर देवदास में दिखी, वैसी उमराव जान में नहीं है। पांचवी फिल्म है मंडी। श्याम बेनेगल की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई। ये पाकिस्तानी लेखक गुलाम अब्बास की कहानी पर आधारित है। फिल्म उस भ्रष्ट और दोहरे मर्दवादी समाज को सामने लाती है जो नैतिकता के नाम पर वेश्याओं से, उनके पेशे से घृणा करते हैं। वही मर्द जो राजनेता हैं, पुलिस वाले हैं, रसूखदार लोग जो रात के अंधेरे में अपनी शारीरिक भूख शांत करने कोठों पर जाया करते हैं, वो दिन के उजाले में इन्हीं कोठों को उजाड़ने की बातें करते हैं। छठी फिल्म है टेल्स ऑफ द नाइट फेरीज। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है शोहिनी घोष ने। पश्चिम बंगाल में 65,000 सेक्स वर्कर का एक ग्रुप है जिसे दरबार महिला समन्वय कमिटी के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म उसी कमिटी के 5 सेक्स वर्कर्स और फिल्म की डायरेक्टर शोहिनी घोष के हवाले और अनुभवों से आगे बढ़ती है। इस फिल्म की खास बात ये है कि ये मानव तस्करी और सेक्स व्यापार को नए तरीके से समझाती है। इस पूरे मुद्दे को देखने समझने का एक अलग नज़रिया देती है। टेल्स ऑफ द नाइट फेरीज सेक्स वर्कर्स की खुशियों, उनकी इच्छाओं और उनकी संघर्षों को हमारे सामने लाती है। सातवीं फिल्म है करीना कपूर की चमेली। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने 2004 में चमेली प्रस्तुत की थी। ये एक वेश्या के साथ एक ऐसे आदमी की प्लेटोनिक प्यार को दिखाती है। प्लेटोनिक प्यार मतलब, जिसे सरल भाषा में आप काल्पनिक प्यार कह सकते हैं, उसकी कहानी है। इस आदमी की पत्नी मर चुकी है। शुरू में तो ये फिल्म प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी बनी बनाई पारंपरिक धारणाओं को दिखाती है लेकिन आगे चलकर फिल्म उन चीज़ों से आगे निकल जाती है। आठवीं फिल्म है राजकाहिनी। विद्या बालन की पिछले साल आई बेगम जान इसी बंगाली फिल्म राजकाहिनी की हिंदी रीमेक थी। 1948 के नए नए आज़ाद भारत और स्वतंत्रता संग्रामों के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म की पूरी कहानी एक कोठे के इर्द गिर्द घूमती है जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना है। सरकारी लोग और अधिकारी उनके कोठे को खाली करवाना चाहते हैं।
जब वो ये करवा पाने में नाकामयाब रहते हैं तो वेश्याओं को मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन ये महिलाएं भी सत्ता से डरती नहीं और हथियारों के साथ उनका मुकाबला करती हैं। राज कहानी की खास बात यह है कि इसमें वेश्याओं की जिंदगी को जज नहीं किया जाता, दर्शक उन्हें गलत या सही की नज़र से नहीं देख पाते। इस लिस्ट की अगली फिल्म है टैंग्रीन। क्लूट, प्रिटी वुमन, लिविंग लास वेगस जैसी मेनस्ट्रीम अमेरिकन फिल्मों ने भी सेक्स वर्कर्स के जीवन से जुड़ी पूर्व धारणाओं को बदलने का काम किया। इन फिल्मों ने हमें बताया कि उनका जीवन भी बाकियों जैसा ही है। लेकिन जब हम अमेरिका के इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करते हैं तो दिमाग में जिस फिल्म का नाम आता है वो है टैंग्रीन। 2015 में आई ये फिल्म डायरेक्ट की थी शॉन बेकर ने। उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ आईफोन से शूट किया था। ऐसा करने वाली ये पहली फीचर फिल्म थी। टैंग्रीन एक ट्रांसजेंडर जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं उस सेक्स वर्कर की कहानी है। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है टिकली एंड लक्ष्मी बॉम्ब। टिकली और लक्ष्मी बॉम्ब को लिखा और डायरेक्ट किया है आदित्य कृपलानी ने। बर्लिन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल 2018 में इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये लक्ष्मी और पुतुल नाम की दो सेक्स वर्कर्स की कहानी है जो मुंबई में रहती हैं। लक्ष्मी सेक्स वर्कर का एक ग्रुप चलाती है, उसमें पुतुल नाम की एक सेक्स वर्कर शामिल होती है। वो लक्ष्मी के सामने एक ज़रूरी सवाल रखती है कि क्यों सेक्स वर्कर्स की कमाई के बड़े हिस्से पर दलालों का कब्जा हो। शुरू में तो लक्ष्मी पुतुल की बातों पर नाराज होती है, लेकिन बाद में उसे ये बात सही लगती है। अब लक्ष्मी इस बिजनेस के सब अधिकार पुरुषों के दायरे से अपने पास ले लेती है। जाहिर है इस तरह आज़ाद होने की अपनी चुनौतियाँ हैं। अब मुश्किल तब होती है जब बाहरी खतरों से बचने के लिए उनके पास ना तो पुलिस की सुरक्षा है और ना ही कोई ताकत। बाकी अगर आप ऐसी और ताकतवर स्टोरीज सिनेमा की जानना चाहते हैं तो आपको ललन टॉप के पेज को लाइक करना होगा फेसबुक पर जाकर, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फटाफट से जो वहाँ पर छोटी सी बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चल जाए और मिस ना हो।